नमस्कार दोस्तों, सोनिक लाइटिंग इंडस्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ 50 वाट का डोम लाइट कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, डोम लाइट का रॉ मटेरियल है अभी जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए आपका ड्राइवर है, उसके बाद आपको ये हाउसिंग हो गया, अल्मीनियम हाउसिंग है, उसके बाद ये टिकली है, और उसके बाद MCPCB नीचे में आप जो देख रहे हैं ये MCPCB है, और उसके बाद एक डिफ्यूज़र है, उसके बाद ये निकल का B22 है। तो ये देखिए, अब हम इसका बनाने का टेक्निक आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउसिंग के अंदर में ड्राइवर लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए टिक्की लगा दिया। अब टिक्की को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करते हैं। तो चलिए हम प्रेसिंग करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसको प्रेस कर लेते हैं। इसमें बड़ा वाला डाई लगेगा, इस तरह से प्रेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आगे चलिए हम बताते हैं आपको। अब देखिए इसमें हम MCPCB को लगाते हैं। इस तरह से लगाने के बाद इसमें अपना स्क्रू कस लीजिए। अब ये टाइट हो चुका है, अब क्या करेंगे, सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्लस माइनस देख करके आप वायर को सोल्ड कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है MCPCB में प्लस और माइनस दोनों लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से पेस्ट लगा लीजिए, बढ़िया से सोल्डिंग करें। इससे क्या है कि आपका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, सोल्डिंग से भी बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट आ जाता है आपको। अब पहला क्या करते हैं, बनने के बाद हम पहले चेक कर लेंगे, तब जा करके आप पंच करें इसको। देखिए अब ये रेडी है, यानी जल गया आपका। ये देखिए लाइट क्या कमाल का है, 50 वाट का तो लाइट भी ऐसे बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए अब हम पंच करते हैं, इसको पंच करेंगे। ये देखिए अब पंच हो गया, रेडी हो गया है। उसके बाद बताते हैं आपको इसमें हम पीछे कैसे सोल्डिंग किया जाता है। पीछे सोल्डिंग करने का जो है एक टेक्निक होता है, अगर बढ़िया ढंग से अगर आप करेंगे तो ये ध्यान से देखिए कैसे जो है पीछे सोल्ड किया जाता है, क्योंकि इसी में लोग गड़बड़ हो जाते हैं, बढ़िया ढंग से लोग सोल्ड नहीं कर पाते हैं। देखिए किस ढंग से वह सोल्ड कर रहा है। सबसे पहले तो जो है सोल्डिंग वायर बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका सोल्डिंग आयरन जो है इसमें 60 वाट का होना चाहिए, तभी जो है आप बढ़िया ढंग से पीछे का सोल्डिंग कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो आँख आप देख रहे हैं वो सही ढंग से आपको बनेगा नहीं। ये देखिए कितनी बढ़िया ढंग से जो है, बिल्कुल मशीन जैसा आपको लगेगा ये। ये देखिए B22। अब इसको फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए, ये देखिए कितना वाकई में 50 वाट बहुत बढ़िया लाइट है। चलिए अब अगला स्टेप है डिफ्यूज़र लगाते हैं। इस तरह से पकड़ के अब फाइनल स्टेज में आ चुका है ये, अब आप डिफ्यूज़र लगा दें इसमें।